कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप अपनी जगह पर कुशल होंगे। तो दोहराई के दूसरे वीडियो में आज हम करेंगे पार्ट 12 तेनालीरामन, पार्ट 13 बिल्ली को हो गया जुकाम, जो कि कविता है, और साथ में हम लेंगे महीनों के नाम। सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट 12 तेनालीरामन। तेनालीरामन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, बहुत इंटेलिजेंट, आपको जिसको बोल सकते हैं वैसे व्यक्ति थे। तेनालीरामन विजयनगर के राजा कृष्णदेव की राज्यसभा के एक सदस्य थे। यहाँ उनके बारे में बताया गया है कि विजयनगर का जो राजा था उसका नाम था कृष्णदेव, उसकी राज्यसभा, जिस प्रकार लोकसभाएं होती हैं या मंत्रियों की बैठक होती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, राज्यसभा। तो उसके एक सदस्य थे, मेंबर थे, वो बहुत चतुर थे। मैंने आपको पहले बताया, बहुत चलाक, चतुर, इंटेलिजेंट, वे किसी भी बात का उत्तर तुरंत दे देते थे, इसलिए राजा उनका बहुत सम्मान करते थे। सम्मान करना बहुत ज़्यादा, इज्जत करना, किसी की हम जब इज्जत करते हैं तो क्या होता है, सम्मान। तेनालीरामन ने उनकी बातें सुन ली, वे उनको सबक सिखाने की तरकीब सोचने लगे। तेनालीरामन के घर में चोर घुस आए, वे घर का धन चुराने के लिए इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। तेनालीरामन ने जब सुना कि चोर उनके घर में घुसने की योजना बना रहे हैं, उन्होंने चोरों की बातें सुन ली। उन्होंने फटाफट क्या किया, खिड़की के पास चोर खड़े थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, आजकल चोरों का बहुत डर है, तो तुम क्या करो, एक संदूक में सोना चांदी और सारे घर की कीमती चीज़ें भर दो और उस संदूक को मैं कुएं में डाल दूंगा। तो चोरों को सुनाने के लिए स्पेशली उन्होंने बात की। चोर ने सारी बातें सुन ली, चोरों ने, वो बड़े खुश हो गए कि हमें तो सीधा ही पता चल गया कि खजाना कहाँ है या घर का सामान कहाँ है, कीमती वस्तुएँ कहाँ हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, चोरों ने देखा नहीं, वो चुपचाप छिप गए। तेनालीरामन और उसकी वाइफ ने, पत्नी ने, संदूक में बहुत सारे पत्थर भर दिए और उस संदूक को उसने कुएं में डाल दिया। अब चोर आए, चोरों ने देखा गृह स्वामी जो है तेनालीरामन और उसकी पत्नी सो गए हैं, तो उन्होंने कुएं में से संदूक निकालने का प्रयत्न किया। अब चूंकि कुआं गहरा था, पानी बहुत था, तो उन्होंने सोचा कि पहले थोड़ा सा पानी निकाल लिया जाए। वो पानी की बाल्टी से पानियाँ निकालते रहे और बगीचे में पानी डालते रहे। लेकिन जब उन्होंने संदूक निकाला तो उसमें से क्या निकला, पत्थर। तब तक सुबह हो गई थी और तेनालीरामन हंसते हुए बाहर आ गए। उन्होंने चोरों को कहा कि धन्यवाद, तुमने मेरे बगीचे को पानी दे दिया। इस प्रकार अपनी चतुराई से उन्होंने अपना धन भी बचा लिया और बगीचे को पानी भी दे दिया। ठीक, तो ये सब इस कहानी में बताया गया है। इसके हम प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, एक बार हम इसके प्रश्न फिर से दोहरा लेते हैं। इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? इस पाठ में तेनालीरामन के बारे में बताया गया है। विजयनगर के राजा का नाम क्या था? विजयनगर के राजा का नाम कृष्णदेव था। अंत में चोर कहाँ चले गए? अंत में चोर भाग गए। तेनालीरामन कौन थे? तेनालीरामन कृष्णदेव की राज्यसभा के एक सदस्य थे। एक दिन क्या हुआ? एक दिन चोरों ने तेनाली की बातें सुनी। तेनालीरामन ने संदूक में क्या भरा? तेनालीरामन ने संदूक में पत्थर भरे। चोर रात भर क्या करते रहे? चोर रात भर कुएं का पानी निकालते रहे। तो इस प्रकार ये लेसन जो है वो बहुत इजी है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तेनालीरामन की चतुराई के बारे में बताया गया है। सब बच्चों की कॉपीज चेक हो चुकी हैं, इसके प्रश्न उत्तर भी आप कर चुके हैं। अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर याद करें। अगला लेसन है हमारा बिल्ली को हो गया जुकाम। हास्य कविता है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था पिछले वीडियो में कि एक हंसी ठठोली वाली ये कविता है। बिल्ली को हो गया जुकाम, दो दिन तक
जब है जुकाम हो गया, उसको दो या तीन दिन में आराम नहीं आया, उसकी नाक लगातार बहती जा रही थी और उसकी आंखें जो हैं वो सूज गई थी। अब जब हमें भी जुकाम होता है तो आपने देखा ना, कभी नाक बंद हो जाती है, कभी लगातार बहती है और आंखों में से पानी निकलता रहता है, जिसकी वजह से आंखें भी सूज जाती हैं। डॉक्टर बना हुआ था चूहा, बिल्ली बोली, चाचा चूहा दवा मुझे कुछ दे दो, चाहे कुछ भी ले लो। अब कविता में डॉक्टर कौन है? चूहा है। तो बिल्ली उसके पास जाती है, उसे कहती है कि कुछ भी देगा मुझसे ले लो, लेकिन मुझे जुकाम ठीक करने वाली दवाई दे दो। चूहा बोला, सुनो मानो की मेरी बात, अब से छोड़ो चूहे खाना, बदलो अपनी आदत। तो चूहा उसको कहता है कि तुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है बिल्ली रानी, तू क्या कर, तू चूहों को खाना छोड़ दे और तेरा जुकाम जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बहुत हंसी वाली एक कविता है, किस प्रकार जो बिल्ली है उसे जुकाम हो जाता है और डॉक्टर कौन है? चूहा है। वो उसको दवाई के रूप में क्या सलाह देता है कि वो चूहों को ना खाए। प्रश्न उत्तर देख लें, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, हमने कर लिए हैं। जुकाम किसे हो गया? जुकाम बिल्ली को हो गया। जुकाम के क्या लक्षण थे? जुकाम में नाक बहती रहती है और आंखें सूज जाती हैं। डॉक्टर कौन बना हुआ था? डॉक्टर चूहा बना हुआ था। बिल्ली को क्या हुआ था? बिल्ली को जुकाम हो गया था। जुकाम में क्या होता है? जुकाम में लगातार नाक बहती रहती है। क्या बिल्ली ने चूहे की बात मानी होगी? इसका आंसर हम हाँ भी लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। हाँ, बिल्ली ने चूहे की बात मानी होगी क्योंकि वो जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान थी। ठीक, तो ये भी हम क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आपकी PDF जो है वो चेक हो चुकी है सबकी। दोनों ही जो लेसन है वो इजी है, इनके क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अब हम करते हैं महीनों के नाम, सबको आते हैं। जनवरी फरवरी हम जानते हैं, उसको हिंदी में कैसे लिखना है, पतली की जो अशुद्धियां हैं वो आप नहीं करेंगे, अच्छी तरह से स्पेलिंग जो है वो याद करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा महीना होता है? जनवरी। कैसे लिखते हैं जनवरी? जनवरी, फरवरी, 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 मार्च, च के ऊपर र डालें, ठीक है, मार्च, अप्रैल, प के पैर में र एक ही मात्रा, मई, बड़ी ही, छोटी ही नहीं, बड़ी ही, मई, जून, जून तो बड़ी ही की मात्रा, जुलाई, छोटी ही की मात्रा, छोटी ही नहीं, बड़ी ही की मात्रा, छोटा उ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके ऊपर बिंदी और ब और र, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर की स्पेलिंग गांधी जी के अगले लेसन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत लिखे हैं, यहाँ तो होता है बेटा, ट नहीं होता है और हमेशा इसको बड़े की मात्रा पड़ता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है।
है बेटा, महीनों के नाम अच्छी तरह से याद करें, उनको लिख कर देखें ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। धन्यवाद।